राजस्थान में पंचायती चुनाव के तीसरे चरण का आखिरी मतदान शुरू है और आज हम यहाँ मौजूद है कानोता ग्राम पंचायत में, जहाँ आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ लोग मतदान करने आ रहे हैं और पूरे कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ ही हर कोई मास्क पहनकर आपको यहाँ नज़र आ रहा है और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी कड़ी सुरक्षा में है, कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ मतदान किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि सुरक्षा के क्या क्या इंतज़ाम आज किए गए हैं इस चुनाव को देखते हुए। सर, चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं सेंटर पर? पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी माकूल व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग इंतजाम लगाया हुआ है, पर बूथ पे एक एक दो दो आदमी लगाए हुए हैं। फिक्स पिकेट जाप्ता लगाया हुआ है, बाहर पे भी पुलिस विभाग की तरफ से पूरा इंतजाम है और यहाँ शांति व्यवस्था है पूरी तरह, और पब्लिक को बाहर ही बाउंड्री के बाहर ही रोका जा रहा है सबको, और वहाँ से ही चेक करके मास्क लगा के एंट्री दी जा रही है। तो जिस तरीके से विजेंद्र शर्मा जी ने बताया कि यहाँ सुरक्षा इंतज़ाम कड़े किए गए हैं मतदान को देखते हुए, बाहर ही लोगों को रोका जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, उनको मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें यहाँ वोटिंग करने के लिए यहाँ केंद्र पर भेजा जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं कि लोग अभी भी आ रहे हैं, लोगों का आना अभी शुरू है। ग्राम पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव के चलते हुए लोग यहाँ वोटिंग डालने आ रहे हैं। देखना तो ये है कि अब कौन जीतेगा, ये तो बात की बात है, परंतु अब जो आखिरी चरण का मतदान चल रहा है, ये अब 5:30 बजे तक आखिरी मतदान होगा और इसमें कौन जीत कर आएगा ये अब आगे ही पता चलेगा। कैमरामैन सागर के साथ कंचन, संस्था टीवी। धन्यवाद।